A major row has broken out between Delhi's law minister and the Delhi police over a failed raid. The Delhi police says law minister Somnath Bharti wanted them to conduct a raid on what he alleged was a drug and prostitution ring without a warrant. Somnath Bharti says he decided to go for a check after receiving people's complaints on the issue. The Delhi police has now written to the Lieutenant Governor, giving a blow-by-blow account of what happened on Wednesday night. कि मंत्री 3 बजे रात को बैठे यहाँ पे तुम्हारी ड्यूटी कर रहा है और फिर भी खड़े हैं सारे घर सब पता है इनको ये प्रोटेक्शन देंगे पब्लिक रिलेशन देख लीजिए सारे वी हैव डन एनफ योर कंडीशन इज दैट शिरावन विल यू हैव एंड देन यू विल अलाउ पुलिस टू वर्क यू हैव डन एनफ नॉट अलाउ एनफ डैमेजिंग And today, the same rank minister is giving instructions. Okay, so he doesn't want to avoid that. Are you taking... I'm telling you, there was a conspiracy. I am not saying. वैसा व्यक्ति चल रहा है वहाँ पे रेड करिए जाकर के वहाँ पे इन्होंने पिटाई की थी तो आपने उस टाइम प्रोटेस्ट करवाया हो अब तो सर कह रहे हैं बंद करिए बनाना इसको झगड़ा बना रहे मेरे साथ आएंगे वो तो नहीं पहले मना कर रहा था मैं ठीक से बात कर रहा हूँ यहाँ पे मत करो रिकॉर्डिंग आप खुद करने लगे ठीक बात नहीं आप हमें अच्छी बात नहीं बताएंगे मुझे मालूम है हम तो मना करी थी रिकॉर्डिंग आप काम नहीं करने दे रहे पुलिस को आप रेड करिए उस घर को मैं बता रहा ना आप काम नहीं करने दे रहे हम भी मिला के बोलने दीजिए नहीं है Will you raid then the we'll or go not? For that. Are you allowing the criminals to run away? What we are saying? You're allowing the criminals to run away. You are allowing that house full of criminals because you are not allowing police to work. Yes. Send you can send your police people who are standing there to raid that house and few can search it. Raid that house also accordingly. Why can't you raid that house simultaneously? We will work within our limit. But don't no respect to me. You're not doing your duty. You're not doing your duty. Your police was all running away. No, we are they were leaving us in the night. They were leaving here. ये तो मिनिस्टर के साथ नारे लगाने रात में ड्यूटी आपकी नथिंग एल्स तो क्या करें बताओ वही करेंगे रात में आज बना कर दिया रात ड्यूटी आ जाओ सुबह 6 बजे तक विजय पाल जो SHO हैं यहाँ के अपने सारे पुलिसकर्मियों को लेके जा रहे हैं हमने कहा साहब रेड करवाइए पुलिस के पास सर्च की राइट है यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चल रहा है वो लड़की एक हमने कस्टमर भेजा वो 10,000 में तैयार हो गई ये सब हो रहा है पुलिस के नाक के नीचे साथ में ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है पुलिस ने एक्शन लेने से रिफ्यूज कर दिया पुलिस की कार्रवाई निराशाजनक रही निराशाजनक नहीं बिल्कुल ही नाकामी पूर्ण रही मैं तो दिल्ली कानून मंत्री होने के बावजूद भी ये कह रहा हूँ कि मेरी बात नहीं सुन रही है जनता की क्या बात सुनेंगे ये समझ लीजिए ये सर्च करने को राजी नहीं है रेड करने को राजी नहीं है ACP भी है मैं DCP को फोन कर रहा हूँ कोई राजी नहीं है फोन उठाने को करीब हम लोग 12 बजे यहाँ पे पहुंचे हैं कई महिलाओं को हम लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा कुछ गलत करते हुए जिसको हम लोगों ने पुलिस के सपोर्ट किया और इसके बाद ये गाड़ी आई है जो कि सारी ड्रग्स के नशे में चूर हैं और ड्रग्स वगैरह हम लोग के सामने भी कई कैमरों के सामने भी हाथ से वो चाट रही थी ले रही थी और वो बिल्कुल मस्त हैं जिसका वो कह रहे हैं माननीय मंत्री कि ये होना चाहिए इसका मेडिकल होना चाहिए और इनकी जांच सही से होनी चाहिए ताकि ड्रग्स वगैरह निकले लेकिन पुलिसकर्मी नहीं चाहते हैं कि इनकी कोई जांच हो डेली निकलना होता है मेरा जब भी आता हूँ तो मतलब कई सारे विदेशी यहाँ पे खड़े रहते हैं और ड्रग्स लेते हैं मतलब यही लोगों को ट्रेस करते रहते हैं उनसे प्रोस्टिट्यूशन होता है और क्या है लोगों को ट्रेस करते रहते हैं किसी तरीके से लोगों से बातचीत करें लड़कों को या कोई लड़का आ रहा है या कोई भी मतलब आदमी आ रहा है उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हम इन्हें पटाएं और इनसे पैसे ले सकें मैं अक्सर यहाँ से कभी भी निकलता हूँ तो यहाँ पे विदेशी लड़कियाँ खड़ी रहती हैं और उसके बाद ये यहाँ पे धंधा बना रखा है लोगों ने कब से आप लोग इस चीज से त्रस्त हैं कब से ये कम से कम दो तीन महीने से है